सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चीते की आवाज को लेकर चुटकी ली है। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा, सबको इंतजार था दहार का, पर यह तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। वहीं पिंजरे में बंद चीते का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसे बोलते हुए देखा जा सकता है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट का दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अजय शरावत ने मजाक उड़ा दिया। शरावत ने ट्वीट करके कहा, यह ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, सारा पैसा बर्बाद। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि कोई अखिलेश भैया को बताओ बिल्ली चीता और शेर अलग अलग होते हैं। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अखिलेश यादव को यह ज्ञान दिया कि चीते दहाड़ते नहीं हैं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि शेर बाघ तेंदुए और जगुआर के मुकाबले चीते दहाड़ते नहीं हैं। वहीं नेशनल जियोग्राफिक की वेबसाइट के मुताबिक शेर बाघ और तेंदुए की तरह चीता दहाड़ते नहीं हैं, बल्कि पुर्र यानी बिल्ली जैसे म्याऊं या घुरघुराहट वाली आवाज़ करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। बता दें कि चीता महज 3 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगा सकता है, जो अधिकतर कारों से कहीं तेज है। हालांकि वह आधा मिनट से ज्यादा यह रफ्तार कायम नहीं रख सकता। नामीबिया स्थित गैर लाभकारी चीता कंजर्वेशन फंड ने कहा कि चीते के पैर के तलवे सख्त और दूसरे मांसाहारी जंतुओं की तुलना में कम गोल होते हैं। उनके पैर के तलवे किसी टायर की तरह काम करते हैं, जो उन्हें तेज तीखे मोड़ों पर घर्षण प्रदान करते हैं। CCF के अनुसार चीते की लंबी मांसपेशी पूंछ एक पतवार की तरह स्थिर करने का काम करती है और उनके शरीर के वजन को संतुलित रखती है। शिकार की गतिविधि के अनुसार अपनी पूंछ घुमाते हुए उन्हें तेज गति से उनका पीछा करने के दौरान अचानक तीखे मोड़ लेने में मदद मिलती है। इस प्रजाति के शरीर पर आंख से लेकर मुंह तक विशिष्ट काली धारियां होती है और ये धारियां उन्हें सूर्य की चकाचौंध से बचाती है। ऐसा माना जाता है कि चीता राइफल के स्कोप की तरह काम करता है, जिससे उन्हें लंबी दूरी पर भी अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। चीता अक्सर जंगली प्रजातियों का शिकार करता है और घरेलू जानवरों का शिकार करने से बचता है। हालांकि बीमार या घायल और बूढ़ा या युवा या गैर अनुभवी चीता घरेलू मांसपेशियों को भी शिकार बना सकता है। बता दें कि अकेला व्यस्क चीता हर 2 से 5 दिन में शिकार करता है और उसे हर 3 से 4 दिन में पानी पीने की जरूरत होती है। मादा चीता अकेले में जीवन गुजारती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।